Welcome to the students. We are here in the 8th class. Subject is social science, and the topic is when people rebel, that is, the revolt of 1857. in the previous lessons you read about how east india company captured india bit by bit and imposed its policies on india सॉरी एंड इंडियंस आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक तजारती कंपनी की हसीियत से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी बिलाखिर उन्होंने अपनी पॉलिसियों से हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से पे कब्जा कर लिया इन पॉलिसियों की वजह से जो उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों पे नाफिस की हर एक तबका और हर तबके का हर फर्द किसी ना किसी तरह मुतासिर हुआ पॉलिसीज ऑफ East India Company affected kings, queens, peasants, sepoys or soldiers, traders, and in fact, every person of every section of Indian society. आप ये भी जानते हैं कि जब किसी तबके पे किसी अलाके पे किसी मुल्क पे जुल्म जबर हद से बढ़ जाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है लोग उसके ख़िलाफ़ बगावत करते हैं रिवोल्ट करते हैं एंड दिस इज वट हैपनड इन एटीन फिफ्टी सेवन वन इंडियन इज रिवोल्टेड अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी अब सवाल ये उठता है कि कौन से फैक्टर्स थे वजूहत थे जिनकी बिना पे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की ये पॉलिटिकल रीजंस थे सोशल इकोनॉमिक रीजंस थे एंड मिलिट्री कॉजेस थे इनफैक्ट देर वॉज देन एन इमीजिएट कॉज टू इमिजिएट कॉज भी था पॉलिटिकल थे सोशियो इकोनॉमिक थे मिलिट्री काजिज थे एंड लास्टली देर वाज एन इमीडिएट कॉज विच एडेड फ्यूल टू फायर तो पहले हम पॉलिटिकल कॉजेस देखेंगे कि क्या थे कि तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जिनके खिलाफ हिंदुस्तान में बराह रास् कदम उठाया दे रूलर्स नवाब या अंग्रेज इनको नबोबस कहते थे नवाबस भी हम लिखेंगे तो अंग्रेज़ी ज़बान में इनको नबोब कहते थे जो नवाब का बिगड़ा हुआ लफ्ज था अठारह सौ सौ सतावन जब पलासी की पहली लड़ाई शुरू पहली पलासी की लड़ाई शुरू होती है तो वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ उनकी पहली लड़ाई थी उससे लेकर 1857 तक सतारह से अठारह तक अंग्रेज़ों ने एक, एक करके हिंदुस्तानी हुक्मरानों को बेदखल किया कभी बराह लड़ाई कॉन्केस्ट से और कभी उन्होंने दूसरे हीले बहाने इख्तियार किए जैसे सब्सिडरी अलाइज़, डॉक्टर ऑफ लैप्स और दूसरे बहाने उन्होंने इंट्रोड्यूस किए मुतारफ़ किए ताकि वो हिंदुस्तानी हुक्मरानों को अपनी रियासतों से बेदखल करे सब्सिडरी अलाइंस के तहत उन्होंने रेजिडेंट्स को हिंदुस्तानी राजाओं के हिंदुस्तानी रूलर्स के दरबारों में रखा और ये रेजिडेंट आए रोज़ हिंदुस्तानी राजाओं हिंदुस्तानी बादशाहों के मामलों में मुदाखलत कर रहे थे इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से हिंदुस्तानी बादशाहों की जो आ, फ्रीडम थी जो सोवरेंटी थी जो उनकी अपनी राय थी उसका कला कमा हुआ हिंदुस्तानी रियासतों की इकतसदी हालत बद से बदतर हुई उनकी आमदनी अंग्रेजी फ़ौज रखने में शर्फ होती थी और जब इनके पास हिंदुस्तानी राजा उनके पास पैसा नहीं होता था तो उसके अंग्रेज उनसे टेरिटरी या याका ही छीन लेती थी फिर कुछ हिंदुस्तानी राजाओं ने यह कोशिश की कि अपने मफादात के तहफ़ के लिए वो अंग्रेज़ों के साथ सलाह समझौता करें मिसाल के तौर पर रानी लक्ष्मी बाई जिसको आम तौर से रानी झांसी के नाम से जाना जाता है तो उसने अंग्रेज़ों से ये गुजारिश की कि उसकी खामद की मौत हुई है तो उसके बाद उसके बेटे को वहां का झांसी का राजा बनाया जाए लेकिन अंग्रेजों ने ये नहीं माना इसी तरह नाना साहब थे वो चाहते थे कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो था बाजीराव दोम जो था उसकी जो पेंशन है वो उससे मिले लेकिन अंग्रेजों ने एक भी नहीं सुनी इसी तरह अंग्रेजों ने अवध की रियासत जो थी एक बड़ी रियासत थी पहले उस अठारह 1801 एक में सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस थोपा और बाद में अठारह छप्पन में अवध की रियासत को इस बहाने पे हड़प कर लिया गया कि इंतजामी या मिस गवर्नमेंट है मिस गवर्नमेंट या बद इंतजामी है तो अवध की रियासत को भी अंग्रेजों ने ऐसे तैसे करके हड़प कर लिया अठारह सौ उनचास में अंग्रेज़ों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ये मुतनब किया कि उनकी वफात के बाद उन्हें यानी मुगल ख़ानदान को लाल किला या रेड फोर्ड छोड़ना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा वो हमेशा से शाहजहां के ज़माने से ही रेड फोर्ट या लाल किला मुगलों का महल खाना हुआ करता था जहां से वो हुकूमत करते थे हिंदुस्तान पे तो उन्हें ये अल्टीमेटम दिया गया कि आप बहादुर शाह जफर की वफात के बाद उन्हें ये खाली करना पड़ेगा यही नहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर जफर को ये भी सुनाया कि ये फरमान भी सुनाया कि वो मुगल ख़ानदान के आखिरी बादशाह होंगे और उसके बाद उनके जानशीन जो होंगे उन्हें मुग़ल बादशाह तस्वुर नहीं किया जाएगा इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने मुख्तल हिले बहाने करके चाहे वो बरह रास्त जंग का हो सब्सिडरी अलाइंस का हो डॉक्टर ऑफ लैप्स का हो सुपरमेसी के डॉक्टरन का हो तो मुख्तल बहानों से मुख्तफ तरीक़ों से उन्होंने हिंदुस्तान के मख्तल इलाकों को अपने कब्ज़े में लाया उसके बाद हम दूसरा देखते हैं दूसरा कॉज देखते हैं जो इकोनॉमिक कॉज है सोशल कॉज भी है पीस एंड एंड अंग्रेजों ने जो पॉलिसी यहाँ के जमीन और मालिया लैंड एंड लैंड रेवेन्यू) के बारे में इख्तियार की तो उससे बदतरीन नतज सामने आने लगे द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द पीजेंट लैंड रेवन्यू जो था इट वॉज हाई लैंड रेवन्यू वॉज हाई एंड इट वॉज रिजिड। एक तो जो इससे पहले यहाँ के किसान राजाओं को बादशाहों को मालिया या लैंड रेवन्यू अदा करते थे तो उसकी शरा उसकी रेट ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बहुत ऊंची हो गई थी यानी आप ज्यादा मालिया देना पड़ता था किसान को और ऐसे बहुत सी मिसालें हैं कि किसान के पास फिर अपने अयाल के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कुछ नहीं बचता था एंड सेकेंडली इट वॉज रिजिड रिजिड इसमें कि उन्हें हम सनसेट लॉज कहते हैं सन सेट लॉज सन सेट लॉज अगर इससे पहले जब किसान को मालिया अदा करना पड़ता था तो किसी मजबूरी की वजह से कभी कहत की वजह से कभी सैलाब की वजह से कभी और वजह से जाती वजह से अगर किसान मालिया नहीं अदा कर पाता था तो उसको ज़मीन से बेदखल नहीं करता था किया जाता था लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यह था कि अगर किसान किसी खास तारीख को फिक्स्ड डेट को वो मालिया नहीं अदा कर पाता था तो उसको उस ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था सो इट वॉज वायर नोन ए सन सेट लॉजि आफ्ताब ग्रुप होने तक अगर उसने माली अदा की तो जमीन उसकी नहीं की तो ज़मीन उसके हाथ से चली जाती थी तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो सिपोज थी <coughs> सिपाइज मीनस ये अंग्रेज सिपाही जो थे सिपाही जो लफज है उर्दू का उसी को ये अंग्रेजी में सिपाही कहते थे तो इनके जो सर्विस कंडीशन थी सोल्जर इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी वी आर सब्जेक्टेड टू वर्स सर्विस कंडीशंस। उनकी तनख्वाह अपने अंग्रेज जो उनके सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी में उसे कम थी अलाउंस कम थे और बाकी जो खाने पीने रहने सहने के जो हालात थे वो भी नागुप्त हता कि कुछ ऐसे कवानी भी थे जिनकी वजह से सिपाहियों के जो मजहबी जज्बात थे वो मजरू हो गए अठारह सौ चौबीस में एटीन फोर में जब हिंदुस्तानी सिपाहियों को समंदर के रास्ते बर्मा जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार किया वजह क्या थी आपको शायद यह सुनकर हैरत भी होगी और ये दिलचस्प भी है कि उस जमाने में हिंदुस्तान के हिंदुओं का ये ख्याल था कि समंदर के रास्ते सफ़र करने से समंदर पार सफ़र करने से उनकी जो मजहबी आइडेंटिटी है वो खो जाती है यानी उनका मज़हब चला जाएगा वो फिर हिंदू नहीं रहेंगे तो 1824 में जब हिंदुस्तानी सिपाहियों को समंदर के रास्ते बर्मा जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार किया अगर जो उन्होंने खुशकी के रास्ते बर्मा जाने की हामी भर ली थी यानी राजी हो गए थे बट दे वे गिवन सीवियर पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू ओबे द कंपनीज ऑर्डर्स लाइकवाइज इन एटीन फिफ्टी सेवन एटीन फिफ्टी सिक्स द कंपनी प्रस्क्राइब द लॉ दैट सो एवर गेट इज एम्प्लॉयड इन दर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वुड हैव टू गिव एन राइटिंग दैट ही वोंट रिफ्यूज टू सेल की समंदर के रास्ते सफर करने से वो इनकार नहीं कर सकता था ये कंपनी के कवानीन में रखा गया तो इस तरह हिंदुस्तानी सिपाहियों की बहुत सी शिकायत अपने अंग्रेज़ आकाओं के खिलाफ थी इसके अलावा आप जानते हैं कि जो सिपाही था वो भी एक किसान था वो भी एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखता था उसकी अभी अपनी ज़मीन जायदाद हुआ करती थी तो जो पॉलिसीज़ किसानों पे लागू होती थी तो वहाँ भी इस सिपाही को इसके घर वालों को उसका खमियाजा उठाना पड़ता था तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को की बैसे सिपाही और बैसे एक हिंदुस्तानी होने के नाते अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत थी उसके बाद एक और मसला था एक और कॉज था जो रिलीजियस कॉज भी था सोशल कॉज भी था दैट वाज रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कुछ असलाहत की, रिफॉर्म्स किए वाज बैनड वाज बैनड You know what is Sati? Sati was a practice among the Hindus. If the husband of a Hindu wife died, she would have to burn herself up alive on the pyre of her husband. Yane Kisi Hindu. खातून का खावद अगर इंतकाल करता था तो इस बेवा को अपने खावद की चिता में जिंदा जलना होता था ये एक बार बारिक रस्म थी जो अंग्रेज़ों के ख़्याल में ख़त्म करनी थी तो उन्होंने एक कानून रखा जिसके तहत सती को ममनू करार दिया गया इसी तरह एक और कानून के तहत जो हिंदू वीडोज़ थे उनको दोबारा शादी करने का हक़ दिया गया हिंदू वीडोज़ को एक कानून के तहत 1856 में दोबारा शादी करने का हक़ दिया गया ये जो ये ऐसे किस्म के रिफॉर्म्स थे इससे हिंदुस्तानियों को लगा कि अंग्रेज जो हैं वो उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ इंडियन सो दे टुक इट अगेंस्ट देर रिलीजन they believed that East India Company had no right to interfere in such matters. इसके अलावा 1830 में जो Christian missionaries थी Christian missionaries थी जो ईसाइत का तबलीग कर रही थी यहाँ पे तो उन्हें 1830 के बाद खुली छूट दी गई थी कि वो यहां पे अपनी तबलीग करें और उन्हें यह हक दिया गया कि वो यहां पे लैंड और प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल यानी उनकी नाम पे अब लैंड भी ट्रांसफर हो सकती थी प्रॉपर्टी भी उनके नाम पे ट्रांसफर हो सकती थी वो उसके मालिक बन सकते थे तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को हिंदुस्तान में पूरी आजादी दे दी अब इन क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने मजहब के हक में करने के लिए क्या करना पड़ता था ये हिंदुस्तानी मजाहिब हिंदुजम इस्लाम की नाउज बिल्ला ये मुखालफत कर रहे थे तो इससे भी हिंदुस्तानी हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हो गए एक और बात ये हुई कि 1856 में अंग्रेज़ों ने एक और कानून बनाया जिसके तहत अगर कोई शख़्स ईसाई मजहब इख्तियार करता तो उसके लिए यह आसान बनाया गया कि वो अपनी जो मारूसी जायदाद है उसका हकदार बने The law permitted a convert to Christianity to inherit his or her ancestral property. तो ये भी वो ऐसा कानून था जिसकी बिना पे अब लोगों के लिए ईसाइत इख्तियार करना आसान हो गया सो दीज मेजर्स were कंसिडर्ड

कि ये उनके मजहब के खिलाफ जाता है अगर अगरचे ये जो ये रिफॉर्म्स थे ये थे, कुछ हिंदुस्तानियों के ख्याल में ये एक अच्छा कदम था और इसके बारे में आपको अगले लेसन में तफसीला पढ़ना है तो कुछ हिंदुस्तानी इसके हक में थे कि ये रिफारज होने चाहिए बट द फैक्ट इज दैट द मेजोरिटी ऑफ इंडियनज कंसिडर्ड दीज मेजर्स एन अटैक ऑन देयर रिलीजन उसके बाद ये एक ढेर सारा जो था शिकायतों का कंप्लेंट्स का ग्रीवेंसिस का जमा हो गया था और अब इसको एक सिर्फ चिंगारी की जरूरत थी ताकि सारा ढेर सारा अंबार जल उठे एंड दैट वाज प्रोवाइडेड दैट स्पार्क वाज प्रोवाइडेड बाय द इमीजिएट कॉज दे इंग्लिश इंट्रोड्यूसड न्यू राइफल कॉल्ड एनफील्ड राइफल इस नई राइफल एनफील्ड राइफल में कारतूस जो हुआ करता था उसके बारे में ये कहा गया कि उसकी जो सील है वो गाय और शोर की चरबी से बनाई गई है तो गाय हिंदुओं के लिए मुकदस थी और शोर जो था वो मुसलमानों के लिए हराम था तो हिंदुस्तानी सिपाही चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे उन्होंने इसको अपने मजहब की तवीन समझा और उन्होंने ये कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया तो आप सब ये अब आपके जहन में आया होगा कि हिंदुस्तानी राजाओं की क्या शिकायत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानी किसानों हिंदुस्तानी सिपाहियों और आम हिंदुस्तानियों की क्या शिकायत अंग्रेज़ों के खिलाफ थी जिसकी बिना पे अठारह में वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने पे मजबूर हो गए आ, क, यू इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू स्टे सेफ स्टे एट होम थैंक यू सो मच